सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सभी को दिखाएंगे जो अपनी पथरी होती है धान लगाने वाली, उस पथरी के लिए हम एक स्टैंड बनाएंगे, कैसे उसको बनाना है। तो वीडियो इसीलिए हमने इसको सोचा रिकॉर्ड करके आपको दिखाएं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आप सभी को इसकी जानकारी फुल मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो बेहतरीन बेहतरीन नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको लकड़ी हमारा पूरा मार्किंग गेज में तैयार है। साइज अब इसका जो पथरी का साइज होता है, उस पथरी के साइज को निकालेंगे और उसके बाद में उसी हिसाब से इसका सुराख किया जाएगा, इसमें जो गड्ढा मारते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यह अपनी पथरी और इसी के हिसाब से इसका हमने साइज ले लिया है पूरा परफेक्ट। और अब हम इसको जो मिनी रूटर होता है, ट्रिमर जिसको बोलते हैं, यह हमारा ट्रिमर रखा हुआ है, इसी ट्रिमर से हम इसको बनाएंगे, इसका जो हड्डा बनाना है इसका। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं आप सभी, यह हमारा तैयार हो चुका है पथरी रखने वाला स्टैंड। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमने तैयार कर दिया है पथरी रखने वाला स्टैंड, ये बिल्कुल कंप्लीट है। और इसको हम आप सभी के सामने इसका ट्रायल लेकर के दिखाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमने ट्रिमर मशीन से इसका जो इसमें गड्ढा बनाया है वो ट्रिमर मशीन से बनाया है। रोटर मशीन भी है अपने पास में, लेकिन रोटर मैंने सोचा पहली बार इससे ही करके देखते हैं। दोस्तों काम इसने अच्छा किया है ट्रिमर ने भी, बस थोड़ा चलाने का तजुर्बा होना चाहिए। अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कतें आती हैं, तो वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल दोस्तों आप सभी के सामने है ये जो हमने तैयार किया है पत्ते रखने वाला, जो रख के इसमें धार लगाएंगे। तो आप सभी को इसका हम ट्रायल लेकर एक बार दिखाते हैं। और दोस्तों इसमें एक खासियत और हमने एक तैयार किया है, एक ही स्टैंड जो इस पथरी रखने का ये जुगाड़ है, जो इसी में एक पथरी डायमंड वाली भी बैठ जाएगी और दूसरी जो आती है कॉम्बिनेशन वाले स्टोन जो एक जो और हम आमतौर पर हमेशा यूज करते हैं, तो ये वाली भी पथरी इसमें बैठ जाएगी। थोड़ा साइज का फर्क है, ये थोड़ा डायमंड की पथरी जो है वो करीब पौना सूत बड़ी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा पौना सूत सिर्फ हाइट जैसे हाइट में इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, और बाकी ये परफेक्ट चौड़ाई में एकदम बराबर है। दोस्तों एक खासियत हमने ये तैयार किया है, एक में ही कई बारी अलग अलग बना करके गायब हो जाता है, या फिर कहीं लेके जाना हो तो भी दो दो लेके चलो, तो इसलिए हमें एक में ही दोनों काम कर देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आई है, और ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर हमारे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारे आगे के जो वीडियो आएंगे वो थोड़ा और हम बढ़ा चढ़ा के अच्छे से बनाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।